नमस्ते प्रणाम। और बस एक बात कहने आया हूँ, बहुत दिन बाद लाइव आया हूँ। कलकत्ता में आया था मैं फेसबुक पे लाइव, और ये मैं किसी गाने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही किसी सिनेमा के लिए आया हूँ। आज मैं लाइव आया हूँ बस सरकार से और हमारे संगीत कला से, जो हमारे तीन तीन भाई जो सांसद हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करने आया हूँ। अपने माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश चाचा जी और तेजस्वी भैया, या हमारे योगी जी, जितने भी हमारे जो हिंदी भाषा के लोग हैं, जो इस पद पे हैं कि वो सरकार से बात करके हम लोग तक मनोरंजन के साधन हैं। हाँ, जहाँ तक पैसे कौड़ी की बात है, अगर हमसे मदद वहाँ चाहिए तो उसके लिए हम हमेशा आजीवन खड़े रहेंगे। जो हमारी सक्षमता है, जो हमारी संपूर्णता है कि जहाँ से हम हैं वहाँ से हम हमेशा खड़ा उतरेंगे। लेकिन जो तमिलनाडु में हमारे भाषा, हिंदी भाषा के लिए, लोगों के लिए हो रहा है, तो जो हिंदुस्तान का भाषा है, आज उसी हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वालों पे इतनी बड़ी प्रतिबंध लग रही है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या हमारे यूपी बिहार के लोगों की है। तो मैं बस अपने जितने भी मेरे मनोज भैया, रवि भैया, दिनेश भैया, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग प्लीज़, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं तो इस चीज़ को आप लोग जितना चाहेंगे तो सर इस सरकार से वो सरकार बात करके और हमारे हिंदी भाषा के लोगों के लिए और अपने यूपी बिहार करके खास करके लोगों की मदद हो सकती है। हमारे नीतीश चाचा माननीय मुख्यमंत्री हैं आप, और तेजस्वी भैया उप मुख्यमंत्री हैं आप, सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग चाहेंगे तो कम से कम ये जंग जो है बंद हो जाएगी, और उसका देन कहीं ना कहीं हम सभी हैं। क्योंकि अगर रोज़गार हमारे यूपी बिहार में इतनी होती तो शायद हमें दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये विषय नहीं है, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें हो ही रही है और होगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो बहुत दयनीय है, बहुत निंदनीय है कि वो आज अपने ही देश में अपने ही लोगों के द्वारा हिंदी बोलने पे इतनी प्रतिबंध है कि आप हिंदी बोलेंगे तो शायद उसके लिए आपको मारा जाएगा, काटा जाएगा। तो मैं सबसे जो भी सरकार में है उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, क्योंकि आज आप लोगों को भी इस जनता ने ही बनाया है और यही जनता आज पीटी जा रही है, तो वो थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है कि जिसको हमने चुना आज हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो सरकार में हुई नहीं, लेकिन मेरे तरफ से जो भी मदद होगी, आप लोग बोलिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं